हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज मॉडर्न लव इन मुंबई। इस सीरीज में 6 स्टोरीज हैं, जिसमें से 3 स्टोरीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज की पहली स्टोरी स्टार्ट होती है लाली नाम की लड़की से। लाली मुंबई में रहती है, लेकिन वो कश्मीर के गाँव से बिलोंग करती थी। लेकिन लाली को प्यार हो गया और वो अपने पति के साथ भाग कर यहाँ आ गई। उसे मुंबई आकर काफी साल हो चुके हैं और वो एक घर में कुक का काम करती है। लाली के काफी छोटे छोटे सपने हैं, जैसे कि सीलिंग क्रॉस करना, लेकिन उनके पास सिर्फ बाइक थी और सीलिंग पर बाइक अलाउड नहीं थी। इसलिए लाली अपने हस्बैंड लुत्फी से पूछती है कि सीलिंग पर बाइक अलाउड क्यों नहीं है, जिस पर लुत्फी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाली तो लुत्फी से बहुत प्यार करती है, लेकिन लुत्फी अब लाली में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। लाली जब घर आती है तो वो लुत्फी को आइसक्रीम लाने के लिए कहती है। लुत्फी उसे आइसक्रीम लाकर देता है और लाली वो आइसक्रीम खाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाली को आइसक्रीम बहुत पसंद है और लुत्फी अक्सर उसके लिए आइसक्रीम लाता है, लेकिन वो खुद कभी भी टेस्ट नहीं करता। लुत्फी काफी परेशान था और वो लाली से कहता है कि उसे मजा नहीं आ रहा, लेकिन लाली उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती। उसे लगता है कि लुत्फी को मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो उसके सामने नाचने लगती है, लेकिन लुत्फी उसे किसी तरह से शांत कर देता है। अगले दिन जब लाली उठती है तो लुत्फी घर पर नहीं था। वो लुत्फी को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लुत्फी ने लिखा था कि अब वो लाली के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है और लाली उसका इंतजार ना करे। लेटर पढ़ने के बाद लाली को ऐसा ही लगता है कि लुत्फी उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो बार बार लुत्फी को कॉल करने लगती है, लेकिन लुत्फी उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए लाली काम पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लाली एक बड़े से घर में कुक का काम करती है और रोज वहाँ पर उसे लुत्फी ही छोड़ा करता था, लेकिन आज लाली को अकेले अपने साइकिल पर उस जगह पर जाना था। रास्ते में एक फ्लाईओवर आता है और लाली उसे साइकिल चलाकर क्रॉस नहीं कर पाती। लाली को लगता है कि साइकिल चलाकर वो फ्लाईओवर क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए वो पहले उतर जाती है और चलते हुए फ्लाईओवर क्रॉस कर लेती है, जिसके बाद लाली अपने काम वाली जगह पर जाती है जहाँ पर उस फैमिली में लड़ाई हो रही थी। तभी लाली अचानक जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि लुत्फी उसके पास वापस नहीं आने वाला। वो घर वाले लाली को समझाते हैं, लेकिन लाली काफी ज्यादा रोए जा रही थी। वो जब घर पर वापस आती है तो वो आते वक्त काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है कि उसके घर की छत टूट चुकी है, जिसके बाद लाली एक चाचा को लेकर आती है जो ये सारे काम किया करते थे। जिसके बाद वो चाचा छत चेक करते हैं तो वो लाली को बताते हैं कि इसे रिपेयर करने में काफी खर्चा होगा। अब लाली के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो चाचा से कहती है कि वो छत को किसी तरह से ढक दे, क्योंकि वो छत कुछ टाइम बाद रिपेयर करने वाली थी। जिसके बाद लाली फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर से वो फ्लाईओवर आता है और लाली को यकीन था कि वो इस बार भी फ्लाईओवर क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए वो साइकिल से उतर जाती है और चलते हुए फ्लाईओवर क्रॉस करती है। जब वो काम से वापस आ रही थी तो लाली अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि ना ही लुत्फी घर वापस आ रहा था और ना ही लाली अपने घर की छत ठीक कर पा रही थी। इस सब से लाली पहले से परेशान थी और ना ही वो साइकिल से फ्लाईओवर क्रॉस कर पा रही थी, इसलिए लाली काफी गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो साइकिल को नीचे फेंक देगी। लाली वैसा करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि साइकिल को फेंकने से क्या होगा, उसकी मुसीबतें कम नहीं हो जाएगी। तभी वो वहां से गिरने वाली थी, लेकिन उसका कुर्ता साइकिल में अटक जाता है और लाली गिर नहीं पाती। लाली समझ जाती है कि उसके साइकिल ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो साइकिल को गले लगाकर काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद लाली घर चली जाती है और वो दूसरे दिन काफी खुश होकर काफी स्पीड में साइकिल चलाने लगती है। जब फ्लाईओवर आता है तो लाली अपनी स्पीड कम नहीं करती और इस तरह से वो फ्लाईओवर क्रॉस कर लेती है। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद लाली बहुत ज्यादा खुश हुई थी, जिसके बाद वो अपने काम पर जाती है और वहां से वो लुत्फी का पता लगाती है। जिसके बाद लाली लुत्फी से मिलने जाती है और लुत्फी लाली को वहां देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लाली उसका पता लगा लेगी। लाली लुत्फी के साथ एक गार्डन में जाती है और वहां पर आइसक्रीम खाने लगती है। लुत्फी लाली से कहता है कि वो उसके पास वापस नहीं आ सकता, इसलिए लाली यहाँ पर कोई सीन क्रिएट ना करे, लेकिन लाली कहती है कि वो यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करने के लिए नहीं आई, बल्कि वो यहाँ पर लुत्फी को आखिरी बार बाय कहने आई है। वो जाने से पहले लुत्फी से कहती है कि उसे पहले लगा था कि वो लुत्फी के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो सब कुछ अकेले भी कर सकती है और काफी खुश रह सकती है।
यहाँ पर लाली लुत्फी को जलस फील कराने के लिए आई थी, जिसके बाद लाली वहां से चली जाती है और आज वो बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद रात को लाली अपना कश्मीरी कावा बनाकर मुंबई की सड़कों पर बेचने लगती है और वो कावा सबको बहुत पसंद आने लगता है। लाली की हर तरफ तारीफ हो रही थी और रेगुलरली उसके कस्टमर्स बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से लाली के पास भी पैसे आने लगे थे। पैसे आने के बाद लाली अपनी छत रिपेयर करने के लिए चाचा से कहती है, जिसके बाद लाली आज रात भी कावा बेचने के लिए जाती है। रोज उसके कावा के कस्टमर्स बढ़ रहे थे और सबको उसका कावा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए लाली थककर अपने घर वापस आकर सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी छत रिपेयर हो चुकी थी और उसकी छत पर एक पेंटिंग भी बनाई थी, जिसे देखकर लाली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब लाली डिसाइड करती है कि उसका एक और सपना था जो उसे पूरा करना है, सीलिंग पर जाना। लेकिन लाली के पास साइकिल ही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो साइकिल लेकर ही सीलिंग पर जाएगी। जिसके बाद वो वहां जाकर इंतजार करने लगती है, क्योंकि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था। जैसे वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है, लाली अपनी साइकिल लेकर सीलिंग पर चली जाती है और वहां जाकर वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ कर सकती है। लेकिन बाद में लाली को फाइन भी भरना पड़ता है, क्योंकि वो साइकिल लेकर सीलिंग पर गई थी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मंजू नाम के लड़के से, जो काफी टाइम बाद मुंबई आया था। वो अपनी बहन जीजू और पापा के साथ एक बाई नाम की लेडी से मिलने जा रहा था। एक्चुअली मंजू के लिए बाई उसकी दादी जैसी है और वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आज काफी टाइम बाद वो उनसे मिलने जा रहा था। वहां जाते वक्त मंजू को अपना फ्लैशबैक याद आता है। मंजू जब छोटा था तो शहर में दंगे हो रहे थे। उनकी स्कूल बस पर कुछ दंगाइयों ने अटैक किया था, जिसके बाद वो भागते हुए बाई के घर चले जाते हैं। वहां पर वो दंगाई आते हैं और वो उन बच्चों को मारने वाले थे, लेकिन बाई जाकर उन दंगाइयों से कुछ कहती है, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और इस तरह से बाई ने उसकी जान बचाई थी। आज मंजू बाई से मिलने जा रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंजू एक गे है। जब उसकी बहन की शादी हो रही थी तो वो अपने एक फ्रेंड के करीब आ गया था। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो जाकर ये बात मंजू की फैमिली को भी बताता है और मंजू के पापा का कहना था कि मंजू को ये बीमारी है और उसे अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। मंजू ने समझा रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए मंजू उनसे गुस्सा होकर गोवा शिफ्ट हो जाता है। वहां पर वो एक रेस्टोरेंट में गाना गाया करता था और वहीं पर राजवीर नाम का एक शेफ था। धीरे धीरे करके मंजू और राजवीर की मुलाकात होने लगती है। राजवीर काफी अच्छा खाना बनाता था और मंजू को उसका खाना बहुत पसंद आता है। वो राजवीर से पूछता है कि वो खाने में ऐसा क्या डालता है जिसकी वजह से खाना इतना टेस्टी बनता है। तो राजवीर कहता है कि जब भी हम किसी के लिए बहुत प्यार से खाना बनाते हैं तो खाना ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाता है। जिसके बाद वो मंजू को किस करने लगता है और मंजू भी उसे पसंद करने लगा था। अब वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं और वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगले दिन मंजू काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो जानता था कि उसके फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। लेकिन राजवीर उसे समझाता है, जिसके बाद मंजू जाकर अपने घर वालों से बात करता है कि वो राजवीर को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुनने के बाद उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि मंजू उनके खानदान की नाक कटा कर रहेगा। तभी वहां पर मंजू की बहन आती है और वो भी अपने मम्मी पापा से लड़ने लगती है। एक्चुअली मंजू की बहन भी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा दी। इसी की वजह से मंजू की बहन अपने घर वालों पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो मंजू का साथ देती है और मंजू राजवीर से शादी करने के लिए तैयार था। जिसके बाद उनकी शादी हो रही थी और मंजू को नहीं लगा था कि उसके घर वाले वहां पर आएंगे, लेकिन मंजू की खुशी में शामिल होने के लिए उसके सभी घर वाले वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर मंजू भी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद मंजू और राजवीर की शादी हो जाती है। आज मंजू बाई से मिलने जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो बाई को राजवीर के बारे में कैसे बताएगा। जिसके बाद वो बाई के घर जाता है तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन मंजू को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मंजू बाई से पूछता है कि उस दिन उसने दंगाइयों से ऐसा क्या कहा था कि वो वहां से चले गए। जिसके बाद बाई कहती है कि उसने दंगाइयों को पैसे दिए थे। वो जानती थी कि ये लोग भटके हुए हैं और किसी के कहने पर ही ये सारे काम कर रहे थे, और जब बाई ने उन्हें पैसे ऑफर किए तो वो पैसे लेकर वहां से चले गए। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि बाई ने कितनी सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। जिसके बाद मंजू
भाई को राजवीर के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे बताए। जिसके बाद वो भाई के साथ अकेला बैठता है और उनके साथ बातें करने लगता है। भाई उसकी बातों से समझ चुकी थी कि मंजू उसे कुछ बताना चाहता है, जिसके बाद मंजू उन्हें राजवीर के बारे में बताता है। लेकिन भाई पहले से जानती थी कि मंजू एक गे है। जिसके बाद भाई मंजू से पूछती है कि क्या वो राजवीर से प्यार करता है, तो मंजू कहता है कि हाँ वो राजवीर से बहुत प्यार करता है और राजवीर भी उससे बहुत प्यार करता है। तो भाई कहती है कि उनके रिश्ते को चलाने के लिए उनका प्यार काफी है, इसलिए उन्हें दूसरे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि वो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। वो कहती है कि खाने को टेस्टी बनाने के लिए जैसे प्यार की जरूरत होती है, वैसे रिश्ते को निभाने के लिए भी प्यार की ही जरूरत होती है। ये कहने के बाद भाई की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और यही पर दूसरी स्टोरी एंड होती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है सुई नाम की लेडी से, जो बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। सुई का एक बेटा है मिंग, जिसके लिए सुई बहुत प्यार से खाना बनाती है। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। आज मिंग मेगा को लेकर उसके घर पर आता है। सुई जब मेगा को देखती है तो वो मेगा के लिए स्पेशल खाना बनाती है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं और मेगा को सुई के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। वो सुई से पूछती है कि वो इतना अच्छा खाना कैसे बनाती है, तो सुई बताती है कि काफी सालों पहले उसके दादाजी इंडिया आए थे। यहाँ आकर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी थे और उन्हें उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आया, जिसके बाद उन्हें ऑर्डर्स मिलने लगे और उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस आगे बढ़ाया। तब से लेकर उनका खानदान यहीं पर अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाता है और शायद इसी की वजह से सुई भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। वो लोग बातें करने लगते हैं और तब मेगा कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि उसकी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ शादी हो जाए। ये सुनने के बाद सुई थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है कि मेगा किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन मेगा और मिंग की बातें सुनने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, और इस बात से सुई काफी ज्यादा नाराज थी। तभी मेगा को पता चलता है कि खाने में गार्लिक है। ये बात जब मिंग देखता है तो वो सुई से कहता है कि मेगा को गार्लिक पसंद नहीं, उसे गार्लिक से एलर्जी है, इसलिए सुई को गार्लिक नहीं डालना चाहिए था। जिसके बाद सुई कुछ सोचती है और वो मेगा के लिए फिर से खाना बनाती है। इस बार उसने गार्लिक नहीं डाला था और मेगा को ये खाना भी बहुत पसंद आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिंग एक डेंटिस्ट है, लेकिन उसे सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मेगा के कहने पर वो सिंगिंग पर भी उतने ही अच्छे से फोकस कर रहा था। मिंग सुई से पूछता है कि क्या आज रात मेगा उनके घर पर रुक सकती है, जिस पर सुई उसे हाँ कहती है। लेकिन रात को वो देखती है मेगा और मिंग किस कर रहे थे। ये देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। अगले दिन सुई इस बात से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो मिंग की शादी अपनी ही कम्युनिटी में करना चाहती थी, लेकिन मिंग ने तो मेगा को पसंद कर लिया था। इसलिए सुई डिसाइड करती है कि वो मिंग के लिए रिश्ते देखेगी। जब वो रिश्तेदारों को बुलाती है तब वहां पर मिंग नहीं आता, क्योंकि वो अपने सिंगिंग में बिजी था। इस वजह से सुई और ज्यादा नाराज हो जाती है। वो मिंग से मिलने जाती है तो वहां पर मेगा भी थी। मेगा काफी छोटे कपड़ों में थी, ये देखकर सुई और नाराज हो जाती है। जिसके बाद सुई अपने घर वापस आती है और कसम खाती है कि अगर मिंग ने उसकी बात नहीं मानी तो वो हिंदी बोलना बंद कर देगी। तभी मेगा भी मिंग को समझा रही थी कि उसे अपनी माँ को अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, आखिर कब तक वो दोनों इस तरह छुप कर मिल सकते हैं। जिसके बाद मिंग भी सुई को आकर बताता है कि वो मेगा से बहुत प्यार करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन सुई इस बात के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन भले ही वो मिंग से नाराज थी, लेकिन मिंग के लिए रोज खाना भेजा करती है, तो वही मिंग भी अपनी माँ से नाराज था, लेकिन वो उन्हीं के हाथों का खाना रोज खाता। एक दिन जब मिंग स्टूडियो गया था तो वहां पर अनुराग कश्यप भी आए थे। वो अपने नए सॉन्ग के लिए एक सिंगर को ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस सिंगर को उन्होंने सिलेक्ट किया था उसने आने से मना कर दिया। ये देखकर मिंग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे, जिसके बाद अनुराग कश्यप उसे एक मौका देते हैं और मिंग का गाना सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद अनुराग कश्यप मिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और मिंग ही उनका अगला गाना गाता है। मिंग का वो गाना काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, लेकिन मिंग अपने काम की वजह से काफी बिजी रह रहा था। वो जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने काफी बार टिफिन भेजे थे, लेकिन कुछ खाना उसे डस्टबिन में पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद मेगा ने उसके माँ के हाथ का खाना फेंक दिया होगा, इसलिए मिंग गुस्से में अंदर जाता है तो मेगा उसे कहती है कि उसकी माँ ने कई बार उसके लिए खाना भेजा है। उसने सारा खाना फ्रिज में रखा है, लेकिन उसमें से कुछ खाना खराब हो गया था जिसे उसने फेंक दिया, और ये देखने के बाद मिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद मिंग ने जो गाना गाया था वो सबको बहुत पसंद आ गया था।
वो सॉन्ग हर तरफ वायरल हो जाता है और मिंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वहां पर उसे पूछा जाता है कि उसके सफलता के पीछे किसका हाथ है। तब मिंग कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मेगा का, क्योंकि मेगा ने ही उसे सिंगिंग पर फोकस करने के लिए कहा था। मेगा को पूरा यकीन था कि मिंग एक दिन बड़ा सिंगर बन जाएगा। मिंग का ये इंटरव्यू उसकी माँ भी देखती है और वो भी अपने बेटे के सक्सेस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि मेगा ही उनके बेटे के लिए सही पार्टनर है, जिसके बाद वो आज पहली बार मेगा के लिए स्पेशल खाना भिजवाती है बिना गार्लिक वाला। और इससे मिंग को पता चल जाता है कि उसकी माँ ने मेगा को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मेगा भी उनके फैमिली फंक्शन में आती है, जहाँ पर वो उनके साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, जिसे देखकर सुई भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि मेगा के आने के बाद मिंग उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि मेगा अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। साथ ही सुई समझ चुकी थी कि अगर वो अपने बेटे से प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपने साथ बांध कर रखे। और यही पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। इसके आगे की 3 स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको इस सीरीज की ये स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।